if A is equal to log of 175 upon 245 and B is equal to log of 875 upon 1715, then the value of 1 minus AB upon A minus B. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो A की वैल्यू क्या है, A is equal to log of 175 और बेस क्या है 245. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है log of A to the base B, तो इसे हम लिख सकते हैं log of A upon log of B. तो ये जगह क्या है, log of 175 upon log of 245. अब अगर हम 175 के फैक्टर्स करेंगे तो 175 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 175 को हम लिख सकते हैं log of 5 square into 7. एंड सिमिलरली 245 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 7 square into 5. तो अभी क्या लिखा हुआ है, log of a into b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log of a plus b. तो क्या जाएगा, log of 5 square. तो log of 5 square लिखेंगे तो square power क्या जाएगी, आगे आ जाएगी. तो जाएगा 2 log 5 plus log 7. एंड अपॉन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, ये जाएगा डिनोमिनेटर में 2 log 7 plus log 5. नाउ ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, a की. अब सिमिलरली b की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी log of 875 अपॉन 1715. अब 875 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को पहले हम लिखेंगे log of 875 अपॉन log of 1715. और 875 इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 7. तो ये क्या जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ log 5 प्लस log 7 अपॉन, नीचे क्या जाएगा, नीचे आएगा 3 टाइम्स ऑफ log 7 प्लस log 5, है ना. नाउ अब इसे हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, सी अब क्या करना है, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें बार बार log 5 और log 7 आएगा, तो इसलिए मैं बोल देता हूं log 5 इज इक्वल टू p एंड log 7 इज इक्वल टू लेट्स से q. ठीक है, तो इनडायरेक्टली अब हमारा जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, a इज इक्वल टू 2p प्लस q अपॉन 2q प्लस p. और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3p प्लस q अपॉन 3q प्लस p. नाउ अब अगर हमें वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी की 1 माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी. तो अब 1 माइनस ए बी, तो यहां से आएगा 1 माइनस 2p प्लस q अपॉन, सॉरी 2p प्लस q अपॉन 2q प्लस p, 2q प्लस p इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3p प्लस q और अपॉन में क्या जाएगा 3q प्लस b. अब डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, तो यहाँ क्या जाएगा 2p प्लस q अपॉन 2q प्लस p माइनस 3p प्लस q अपॉन 3q प्लस p. अब ये वैल्यू क्या जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो सी अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे. तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड एलसीएम क्या आएगा, 2q प्लस p, और मतलब न्यूमरेटर में भी एलसीएम आएगा 2q प्लस p इंटू 3q प्लस p, और नीचे भी आएगा 2q प्लस p इंटू 3q प्लस p. तो ये कट डाउन हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास में, न्यूमरेटर में हमारे पास में बचेगा 2q प्लस p इंटू 3q प्लस p माइनस 2p प्लस q इंटू 3p प्लस q. ये आ गया हमारा न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2p प्लस q इंटू 3q प्लस p माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां से 3p प्लस q इंटू 2q प्लस p. अब अगर हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, तो पहली टर्म क्या आएगी यहां पे, पहली टर्म आएगी 6q स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3pq, फिर क्या आएगी प्लस क्या आएगा, अभी हमने क्या करा था p को 3q से मल्टीप्लाई, अब 2q को मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2pq. एंड देन फिर क्या करेंगे, p को जब p से करेंगे तो आएगा प्लस p स्क्वायर माइनस, देन 2p को 3p से करेंगे तो आएगा माइनस 6p स्क्वायर, देन माइनस 3pq, देन माइनस 2pq, देन माइनस q स्क्वायर. ये हमारा न्यूमरेटर आया.
सिमिलरली डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2p into 3q is 6pq, तो आएगा 6pq, then q into 3q is plus 3q square, plus p into 2p is 2p square, and then p into q is plus pq, minus, फिर क्या होगा, 3p into 2p is 6pq, minus, फिर क्या होगा, 3p into p is 3p square, and then, ये क्या आएगा, 2q plus q is 2q square, माइनस 2q स्क्वायर एंड देन q प्लस p इज माइनस pq. अब अगर हम देखें तो क्या क्या कट डाउन हो रहा है, पहले हम नोटिस करते हैं. सी न्यूमरेटर में क्या है, प्लस 3pq माइनस 3pq कट डाउन, प्लस 2pq माइनस 2pq कट डाउन. डिनोमिनेटर में 6pq माइनस 6pq कट डाउन, प्लस pq माइनस pq कट डाउन. अब वैल्यू क्या बची, इट इज इक्वल टू ऊपर क्या है 6q स्क्वायर और क्या है यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर, तो जगह वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर. एंड देन क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर इज माइनस 5p स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है, लेट्स सी, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो क्या जाएगा क्यू स्क्वायर. एंड देन 2p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर इज माइनस p स्क्वायर. तो अगर हम न्यूमरेटर में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, ये 5 * q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कट डाउन हो जाएंगे वैल्यूज और बचा क्या, ओनली इक्वल टू 5. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 5. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5.